Rajpreet from Shehzadi Guide Group C, Kalyani Nagar, Pune, Maharashtra. I am here to explain the important parts of a bulbul's uniform. So let's begin. A bulbul wears a blue headband and blue ribbons to tie her hair neatly. The bulbul uniform is a deep sky blue color overall, made of plain, non-transparent material with two top patch pockets and two side pockets from underside. Half sleeves 8 cm above the elbow with turned up. Open sports collar with shoulder straps. The belt is a brown Nilex material belt with the official brass buckle of Bharat Scouts and Guides. The scarf is one of the most important parts of the uniform. It is tucked up with a wobble. White socks and black leather or canvas shoes, closed shoes are worn. On the right sleeve, we have the World Guide badge. And on the left sleeve, in the middle, we have the membership badge. Very first badge we earn. The shoulder badges are worn on both the sleeves. On top of the right pocket, we have the BSG Bharat Scouts and Guides stripe. On top of the left pocket, we have the 6 badge and the punk badge. All the proficiency badges shall be on the right sleeve in a parallel row. Thank you. Hello, myself, Reena Zaveri, Assistant Leader Trainer. Frock, gahre aasmani rang ki, apadrishi kapda ki frock, jis par do pair jeb upar aur do side jeb ho. Aur आस्तीन की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, जिसमें 4 सेंटीमीटर ऊपर की ओर उलटकर सिलाई होगी। स्पोर्ट्स कॉलर और दोनों कंधों पर शोल्डर स्ट्रैप्स होते हैं। फ्रॉक ज़्यादा तंग नहीं होनी चाहिए। बेल्ट, राष्ट्रीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई ब्राउन नाइलेक्स बेल्ट, जिस पर भारत स्काउट एवं गाइड का अधिकृत ब्रास का बक्कल लगा हो। स्कार्फ हरे, बैंगनी और पीले रंगों को छोड़कर स्थानीय या जिला संस्था से मान्यता प्राप्त ग्रुप के रंग का स्कार्फ ग्रुप की वॉगल के साथ पहना जाएगा। इसे गर्दन के चारों ओर कॉलर एवं शोल्डर स्ट्रैप्स के ऊपर पहना जाएगा। स्कार्फ एक दो भुजाओं वाला तिकोना आकार का होता है, जिसके आधार एवं भुजाओं की लंबाई कम से कम 70 सेंटीमीटर और अधिकतम 80 सेंटीमीटर होती है। मोजे सफ़ेद रंग के होते हैं। जूते काले रंग के चमड़े के या कैनवास के बंद जूते होते हैं। बालों का रिबन नीले रंग का प्लेन रिबन या नीले रंग का हेयरबैंड बिना किसी डिज़ाइन के पहना जाता है। सदस्यता बैज नीले रंग की पृष्ठभूमि पर कपड़े का बैज, जिस पर पीले रंग से फ्लर डी लिस सहित अंदर की ओर पीले रंग का गाइड का त्रिदल फूल तथा बीच में पीले रंग से ही अशोक चक्र बना होता है, जो आस्तीन के बीचों बीच लगाया जाता है। सिक्स चिन्ह बुलबुल की टोली को सिक्स कहते हैं। हर बुलबुल को अपने सिक्स का चिन्ह पहनना अनिवार्य है। यह काले रंग के पृष्ठभूमि से 4 सेंटीमीटर घेरे का होता है तथा इसमें नीले रंग की बॉर्डर बनी होती है। इसे बाईं जेब के ऊपर पहना जाता है। शोल्डर बैज कंधे का बैज 6 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर लंबा एवं 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हल्का वक्राकार होता है, जो कि सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल किनारी का होगा, जिसमें लाल अक्षरों से ग्रुप का, जिले का या राज्य का नाम व क्रमांक संख्या अंकित होती है, जिसे दोनों कंधों की सिलाई के नीचे लगाया जाता है। राष्ट्रीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई भारत स्काउट एवं गाइड की पट्टी फ्रॉक की दाहिनी जेब के ऊपर लगाई जाती है, जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होती है, जिसके एक कोने पर तिरंगा होता है, जिसका नाप 3 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और बचे हिस्से में द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स लिखा होता है। कार्डिगन तथा ब्लेजर
काले रंग का बिना कोई डिजाइन का पहना जा सकता है। बिना आस्तीन का कार्डिगन मौसम के अनुरूप पहना जा सकता है। विश्व गाइड बैच, कपड़े का विश्व गाइड बैच दाहिनी आस्तीन के मध्य में पहना जा सकता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। In the next video, we will learn about bulbul progressive batches. So don't forget to watch the next video. Keep watching. Thank you.